धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बंधु मीका क्यों नहीं आया अभी तक? उसको फोन लगा के देखो तो। आने वाली होगी अम्मा, थोड़ी देर वेट करते। इतना लेट करती है, आ जाए। विश्वा शीघ्र मांगो, रूही आ गई। पापा शगुन, रूही आ गई, जल्दी आइए। ईशु खन्ना, रूही आएंगे? रूही किधर है? ईशु, रमन भाई, क्या क्या हुआ? रूही कहाँ? रमन, रूही कहाँ है? अरे बोलो ना, रूही है कहाँ? ईशु, चल है? ईशु बोलो ना, कोई मजाक कर रहे हो क्या तुम हमारे साथ? कहाँ है रूही? प्लीज से समथिंग रमन। रमन बोला पुत्र, क्या हुआ? वो नहीं आना चाहती हमारे साथ। रूही नफरत करती है हम लोग से। उसे लगता है कि सालों पहले पियू को बचाने के लिए हमने उसकी कुर्बानी दे दी। निधि ने उसके दिमाग में बहुत जहर खोल दिया है। हमारी बेटी नफरत करती है हमसे। शी हेट्स द फैमिली। क्या रूही ने मना कर दिया? तुम्हारे साथ तो आती ना, उसको क्यों नहीं लाई? रूही को मुझसे नफरत है, वो मेरे साथ नहीं आना चाहती है। खत्म हो गई लाइफ यहीं पे। ऐसा नहीं है ईश्वर, बांध चुके हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलते थी हमेशा से, पर उसने मुझे एहसास करते थे कि मैं बांझ नहीं। उसने माँ ऐशी माँ तो मर गई आज। ले ले, ऐसा नहीं है ईश, ऐसा मत बोलो। रूही तुम्हारे पास आ जाएगी। विश्वा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई आज। मैं इतने सालों से जिंदा थी, मैं उसकी यादों में जिंदा थी, उसको याद करती थी। मुझे लगता था कि वो मुझसे, रूही मुझसे प्यार करती थी ना, तो मुझे लगा था कि रह लूंगी मैं। आपको याद है, आपने मुझे कहा था ना कि मैं मां बनने लायक नहीं हूं, मैं सौतेली मां से भी बदतर हूं। मैं रूही की आदि की किसी की मां बनने लायक नहीं हूं, और रूही ने तो हमारी लाइफ में और कुछ नहीं है, और हमारे रिश्ते को कोई मतलब नहीं है। मैं चली गई थी, मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया। मैं इतनी दूर थी, पर मैं जिंदा थी। फिर भी रूही की यादों के साथ, पर मैं तो मर गई ना। रूही ने मुझे छोड़ दिया है। मैं मुझे उसने अस्तित्व दिया था, उसने ईशी तारियर को ईशी माँ बनाया था। वरना मैं तो एकदम रूखी सी जिंदगी जीती थी। मेरी लाइफ में तो कुछ था ही नहीं। मेरी लाइफ तो वैसे ही हो गई। ना 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 बेटा, हिम्मत नहीं हारते। हम लोग रूही से बात करेंगे ना, हम समझाएंगे उसे। वो नफरत करती है मुझसे, वो मुझे मिलना भी नहीं। मैं कैसी गंदी माँ हूँ? ईशु, मुझे माँ कहलाने का हक नहीं है। ईशु, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, वहाँ मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं कितनी अनसक्सेसफुल हूँ? ईशु तायर इज अ फेलियर। My identity is a fake. मेरा तो सब कुछ खत्म
हो गया आज मेरी बच्ची ने मुझे। ईशु मधु से आराम करने दो। पापा देखो ना मम्मा को क्या हो गया। कुछ नहीं होगा आलिया, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। रमन रमन डॉक्टर को बुलाओ ना। पापा जी मम्मा की एक दवाई वो जब भी फेंट हो जाती है उनको देते हैं ना, उसमें कुछ एनर्जी डोज है, वो देकर देखे शायद होश आ जाए। आयुष प्लीज लेकर आओ ना। मैं लेकर आती हूँ। पीहू पीहू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात हो गई अब तक सोई क्यों नहीं? चलो मामा मैं तो सो रही थी, पानी पीने के लिए उठी थी, पर आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी पहले सोने चलो चलो। What the hell? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रुहान ही रूही है? कौन से गेम्स खेल रहे हो मेरे साथ? अशोक लिसन, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, और ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं थी कि मैं तुम्हें रुहान के बारे में बताऊं। वो मेरे लिए रुहान ही है, रूही नहीं है। और मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करने के लिए थी, मेरा काम खत्म होता और मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती। सो व्हाट? जो भी था लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ आज? और प्लीज अब कोई फेवर मत मांगना कि मैं रूही को तुम्हारे पास वापस लेके आऊँ। मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है अशोक, रूही मेरे साथ ही है, वो कहीं नहीं गई। क्या? एग्जैक्टली, रूही ने अपने माँ बाप को ना चुनकर, यानी कि रमन और ऋषिता को ना चुनकर मुझे चुना है। वो मेरे साथ ही रहना चाहती है, ना कि अपने माँ बाप के साथ। And I'm very happy about that. I can't believe this. मामा बोलो ना, आप लोग मद्रासी आंटी के घर क्या कर रहे थे? पीहू बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ, बाद में बताती हूँ। नहीं पहले मेरी बात सुनो। वैसे तो आप लोग मुझे मद्रासी आंटी के घर जाने नहीं देते हो, आपस में लड़ते रहते हो, और अब वो बीमार है तो आप उनकी इतनी सेवा कर रहे हो, इतनी हेल्प कर रहे हो। पीहू उनको क्या हुआ है बोलो ना प्लीज। आओ बताती हूँ। ये बीपी तो बहुत लो हो गया इनका, 90/40। मैं फटाफट कुछ दवाई लिख के देता हूँ, देखते थोड़ी देर में इनको होश आना चाहिए। ये रूही कौन है? मुझे लग रहा है सदमे की वजह से इनको ऐसा हो रहा है। प्लीज रूही को बुलाइए, हो सकते हैं कि तबीयत में कुछ सुधार हो। प्लीज बुलाइए उन्हें, जरूरी है। ओ, तो हार वाली आंटी रूही दीदी को मिस कर रही थी? हाँ बहुत मिस कर रही है। रूही ऑस्ट्रेलिया चली गई ना, आंटी रूही को बहुत पसंद करती है, और रूही ने किसी को बाय भी नहीं बोला, वो सडनली चली गई, इसलिए आंटी बीमार हो गई। अभी भी सब वही है, उनकी तबीयत खराब है ना। पर रूही दीदी तो मुझे बाय बोल के गई थी, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर वो क्यों चली गई मामा? बेटा उसे काम होगा ना, रूही को हम सब मिस करते हैं। मामा मामा डॉक्टर ने बोला है रूही को ले आओ, नहीं तो इशिम। कौन? पीहू वो हार वाली आंटी वो ठीक नहीं होंगी अगर। पीहू तुम सो जाओ, नीलू उसे सुला दो।